हेलो अपन दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है अथवा वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में अथवा वाले क्वेश्चन, अथवा और या वाले प्रश्न, है ना। इसमें अथवा हो सकता है या भी हो सकता है, अथवा और या वाले प्रश्न आज की वीडियो बिल्कुल ट्रिक से इसको जानेंगे। तो आइए दोस्तों किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए, एक आदमी या दो महिला या तीन लड़के किसी कार्य को 44 दिन में पूरा करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि एक कोई भी एक काम होगा जिस काम को या तो एक आदमी कराओगे तो भी 44 दिन लगेंगे, अगर दो महिला लगाएगी तो भी 44 दिन लगेंगे, तीन लड़के लगाओगे तो भी उसको 44 दिन ही लगेंगे। यानी कि एक आदमी बराबर दो महिलाएं बराबर तीन लड़के, ये तीनों आपस में बराबर काम करते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि एक आदमी और एक औरत और एक लड़का अगर तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को या तो आप सभी को महिला बना लें, या सभी को पुरुष में बदल लें, या सभी को लड़के में बदल लें, किसी एक चीज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। अपन लड़के में इसको बदलना चाहते हैं, किसमें बदलना चाहते हैं, लड़के में बदलना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए कि एक पुरुष बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के, ठीक है, एक पुरुष बराबर दो महिला भी हो सकती है और तीन लड़के भी हो सकते हैं। फिर इसने कहा कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, ठीक है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब आपने एक पुरुष है, एक पुरुष से बराबर अपने को लड़के में कन्वर्ट करना है तो तीन लड़के लिख सकते हैं अपन। तो एक आदमी की जगह अपन लिख दिया तीन लड़के, ये तो बात खत्म हो गई। अब यहां दो महिला बराबर तीन लड़के हैं तो एक महिला बराबर क्या होगा, एक महिला बराबर तीन बटे दो, तो प्लस तीन बटे दो लड़के प्लस एक लड़का तो है ही सही, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ कर लीजिए, यानी कि तीन प्लस तीन बटा दो प्लस एक, अब इसका हर समान करते हैं, है ना, दो इसका एलसीएम आ गया, एक का भाग लगा, एक दूनी दो, दो तिया छः, दो एकम दो, एक एक तिया तीन, एक दूनी दो, दो एकम दो, तो तीन और छः तीन नौ दो ग्यारह, ग्यारह बटा दो कितने लड़के हो गए, ग्यारह बटे दो लड़के हो गए, ग्यारह बटे दो लड़के। अब ये किसी काम को माना कि x दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं, x दिन में पूरा करते हैं, है ना, ये कितने दिन में पूरा करते हैं, x दिन में पूरा करते हैं। तो इधर अपने लड़के कितने हैं दोस्तों, ये देखना है कि तीन लड़के कितने दिन पूरा करेंगे, 44 दिन, त्यों हो जाएगा तीन इंटू 44 दिन, ठीक है। अब अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर होगा तीन इंटू 44 बटा इसके गुणा में कितना है, 11 गुणा भाग में आ गया, और भाग में दो है, दो गुणा में चला गया, 11 कम 11, 11 चौके 44, 11 चौक 44, चार तिया 12, देखो तीन चौक 12, बार दूनी 24, 24 दिन में काम को पूरा करेगा, कितने दिन लगेंगे, 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो 24 दिन किसी ऑप्शन में आ रहा, बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाता है, 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक पुरुष बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपको एक आदमी प्लस एक औरत एक पुरुष एक लड़का, एक आदमी, एक आदमी बराबर कितने आपको लड़के में कन्वर्ट करना, तो एक आदमी बराबर तीन लड़के, बिल्कुल सही है। फिर दो महिला है तो एक महिला बराबर तीन बटे दो लड़के,
तीन बटे दो लड़के तो प्लस एक, तो इसको अपने जोड़ लिया, 11/2 आ गया। 11/2 लड़के एक दिन में काम पूरा करेंगे, तो तीन लड़के 44 दिन पूरा करते हैं। इसकी गुणा वाली संख्या भाग में आ गई, भाग वाली गुणा में चलेगी, 11 × 44 4 × 12 = 24 दिन। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये प्रश्न देखिए, आप 4 पुरुष या 12 लड़के, कोई भी काम आप 4 पुरुष से कराओ या 12 लड़के से कराओ, 16 दिन ही लगते हैं। तो देखिए 4 पुरुष किसके बराबर है, 12 लड़के के बराबर है। 4 पुरुष बराबर 12 लड़के, ये काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है, तो याद है अपनों को। अब 12 पुरुष और 6 लड़के, अब अपने पास कितना है, 12 पुरुष + 6 लड़के, अब अपने पास पुरुष कितने हो गए, 12 पुरुष हो गए। तो दोस्तों 12 पुरुष, तो अब 4 पुरुष बराबर तो 12 लड़के, अपने को 12 पुरुष चाहिए, तो 12 पुरुष के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां पे भी करेंगे, तो 4 × 3 = 12 पुरुष हो जाएगा, और 12 × 3 = 36 लड़के हो जाएंगे। लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 36 लड़के हो जाएंगे, 12 पुरुष बराबर 36 लड़के। तो इस 12 पुरुष की जगह 36 लड़के लिख सकते हैं अपन, 36 लड़के + 6 लड़के पहले थे ही सही, तो 36 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 42 लड़के, कितने हो गए 42 लड़के, और 42 लड़के किसी काम को माना कि x दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में। अब अपने पास लड़के कितने दोस्तों, 12 लड़के, लड़कों में कन्वर्ट कर लिया, तो 12 लड़के 16 दिन, तो 12 लड़के 16 दिन। अब अपने को x का मान निकालना है, तो 12 × 16/42, 6 से काटा 6 × 2 = 12, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। बारह 3 × 12 = 36, 6 × 42 लड़के, ठीक है, तो 6 × 2 = 12, 6 × 7 = 42, 6 लड़के 16 दिन, 12 लड़के 16 दिन, ठीक है, तो 16 × 2 = 32, 7, तो 7 का भाग लगाएंगे, है ना, 4 पुरुष या 12 लड़के, तो 4 पुरुष या 12 लड़के, तो इसमें 12 पुरुष, तो 12 पुरुष बराबर 36 लड़के, 36 × 6 = 42, बिल्कुल सही है, तो 32 में अपन 7 का भाग लगा दें, 16 × 32, 6 × 12 = 6, 7 × 42, ठीक है, तो 16 × 32, 7 को भाग लगाए, 7 × 28, 7 × 28 और 28 × 4 = 32, 4 × 6 = 4/7 दिन, 4 × 6 = 4/7 दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, लेकिन ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, या तो इसमें कहीं यहां पे मिस्टेक है या कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन इस ऑप्शन के सबसे अपना आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक दीवार को 14 दिन बना सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला उस दीवार को कितने दिन में बनाएगी। देखिए 12 पुरुष बराबर 18 महिलाएं, 12 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, 18 महिलाएं,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको। अब आप लोगों को चाहिए 8 पुरुष चाहिए, कितने चाहिए 8 पुरुष चाहिए, 8 पुरुष बराबर, 8 पुरुष बराबर 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं। अब आप लोग 12 है तो आप लोगों को 8 बनाना, 8 कैसे बना सकते हैं बताओ, देखो 3 से यह डिवाइड कर दे, 3 से यह डिवाइड कर दे, अपनों 4 पुरुष चाहिए, 3 से भाग लगा दो, 3 से भाग इसमें भी लगा दो, तो 3 चौके 12, 4 पुरुष आ जाएगा और 3 छंग 18, 6 महिला आ जाएगी। अब आप लोगों को 4 का दुगना 8 पुरुष चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दुनी 8 पुरुष, 8 पुरुष बराबर 6 दुनी 12 महिला, 8 पुरुष बराबर 12 महिला, ठीक है। तो 8 पुरुष की जगह कितनी महिला हो जाएगी, 12 महिला हो जाएगी, प्लस 16 महिला है, तो 12 और 16 कितने हुए, 6 दो 8 और 1 नहीं 2 28 महिला है। ये किसी कार्य को x दिनों पूरा करेगी, ठीक है। अब इधर महिलाएं कितनी है, 18 महिलाएं उस कार्य को 14 दिन पूरा करती है, 18 महिलाएं कितने दिन पूरा करेंगी, 14 दिन, तो 18 इंटू 14, ये 28 यहां से हटा के यहां आ गया, तो 14 एकम 14, 14 दून 28, 2 से काटा 2 नम 18, यानी कि 9 दिन, 9 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा होगा, 9 दिन में काम को पूरा कर लेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9 दिन में काम अपना पूरा हो जाएगा, है ना। ये तो इसको महिला में बदल लो या पुरुष में बदल लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों इसी तरीके का, 4 पुरुष या 8 महिलाएं या 12 बच्चे किसी कार्य को 15 दिन पूरा करते हैं, तो एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन पूरा करेगी, तो भाई 4 पुरुष ये किसके बराबर है, 8 महिलाओं के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 12 बच्चे के बराबर है। तो एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक बच्चा, तो ये कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देखिए तो अब अपन 4 का भाग यहां से भी लगा दे, 4 का यहां पे भी लगा दे, 4 का यहां पे भी लगा दे, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा, 4 से कट गए हैं 2 महिला हो जाएगी, 4 से कट गए हैं 3 बच्चे हो जाएंगे। अब एक पुरुष की जगह कितने बच्चे में अगर कन्वर्ट करें तो 3 बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पे कितने बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक महिला है, अब 2 महिला बराबर 3 बच्चे, 2 महिला बराबर 3 बच्चे, तो एक महिला बराबर क्या होगा, 3 बट्टा 2 बच्चे, 3 बट्टा 2 बच्चे, 3 बट्टा 2 बच्चे, प्लस एक बच्चा तो है ही सही। अब इसको जोड़ कर लें, 2 यहां नीचे है तो 2 3 है 6 ऊपर कर लें, और 2 यहां हो जाएगा तो 6 3 9 2 11, 11 बट्टा 2 लड़के हो जाएंगे, और ये किसी काम को कितने दिन पूरा करते हैं, ये मान लो कि x दिन पूरा करते हैं। अब इधर बच्चे कितने हैं, 12 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे, ये 15 दिन में काम पूरा करते हैं, 12 बच्चे 15 दिन में काम पूरा करते हैं, तो ये जो 11 बटे 2 है 11 यहां आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इसका ऊपर चल जाएगा,
तो 15 दो 30 और 12 दिया 36, 360/11, 360 15 दो 30 12 दिया 36, 360/11, और 11 का भाग लगाए तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 पे 30, 11 दूना 22 और 8/11, 32 से 8/11 दिन, 32 से 8/11 दिन, तो 32 से 8/11 दिन बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है, 32 से 8/11 दिन ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है, 32 सही 8/11 दिन। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।